जैसे ही पांडव पुत्र अपनी द्रौपदी को लेकर के अपने घर पहुंचेंगे, वहां पर आप देखेंगे कि माता कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते करते रो रही होंगी। और जैसे ही युधिष्ठर अपनी मां को पीछे से आवाज़ लगाएंगे और कहेंगे कि मां देखो तो आज दान स्वरूप अर्जुन ने क्या प्राप्त किया है। ये सुनते ही कुंती माता कहेंगी कि जो भी तुम लाए हो वो पांचों भाई आपस में समान रूप से बांट लो। ये सुनकर द्रौपदी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि अब उसे अर्जुन ही नहीं बल्कि सबके साथ रहना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद द्रौपदी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगी और वो चीखते चिल्लाते हुए नजर आएगी और कहेगी कि आखिर आपने ये कह कैसे दिया, आखिर आपने मुझे समझा क्या है। और उसके बाद वो रोते रोते कहेगी कि अब श्री कृष्ण मेरे सखा को आने दीजिए, अब वही फैसला करेंगे कि मैं यहाँ रुकूंगी भी या मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगी। श्री कृष्ण जैसे ही ये बात द्रौपदी के मुंह से सुनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें कठिन सवाल का जवाब देना होगा कि आखिर अब द्रौपदी को करना क्या है। और अब कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि यही दुखों का पहाड़ टूटेगा द्रौपदी के ऊपर, कि जब उसे श्री कृष्ण खुद ये बात कहेंगे कि उसे पांचों भाइयों के साथ समान रूप से पत्नी का तरह रहना होगा, तब क्या होगा द्रौपदी का रिएक्शन, ये सब कुछ देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग, और यही सीक्वेंस आपको देखने के लिए मिलेगा कल रात के एपिसोड में। We'll be right back.